नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और नंबर वन डिजिटल चैनल न्यूज़ बिहार। क्योंकि राबड़ी देवी आरोप लगा रही थी जेडीयू पर कि लगातार जेडीयू प्रशांत किशोर को दूत की तरह भेज रहे थे आरजेडी खेमे में, और उन्होंने आरोप लगाया है कि पीके कह रहे थे कि कांग्रेस में जेडीयू का विलय करवा दीजिए किसी न किसी तरीके से, कोई न कोई पैतरा लगाकर। उस आरोप पर प्रेमचंद्र मिश्रा, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया कि ऐसी कोई बातें नहीं हुई थी। लेकिन इस विषय को जब नीरज कुमार के सामने छेड़ा गया तो उन्होंने एक अलग ही बात बताई और हमला कर दिया आरजेडी पर। सर, प्रेमचंद मिश्रा आप लोगों के सपोर्ट में एक तरह से आए हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है, मर्जर की बात जो कर रही थी राबड़ी देवी की, कांग्रेस में मर्जर हो जाएगा जदयू का, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट कर रहे हैं। अरे लालू जी का परिवार जो है ना, वो झूठ बोलने का एगो इतिहास लिखाएगा। देखते हैं ना, ये दलित के मंदिर में प्रवेश करा मिल जेल गया था, ये जेल गए हैं चोरी करने में, भ्रष्टाचार में। इसलिए सच सच होता है। माननीय नीतीश कुमार जी पर कोई कितना प्रयास कर ले, लालू यादव का 6 पीढ़ी जन्म ले लेगा ना, तो भ्रष्टाचार और वंशवाद का आरोप नहीं लगा सकता है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।